Good morning student. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. In previous mass spread we are study about find the missing side and find find the parameter and missing side of regular side. And in this mass spread we are going to solve some exercise exercise number 10 c so note down c dot w date 6 march 2021 day is saturday question number 1 find the missing side

उसे हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे सम ऑफ द गिवन साइड सेवन सेंटीमीटर प्लस सिक्स सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस सेवन सेंटीमीटर इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड साइड जो लेंथ हमें निकालना है अब हम वो कैसे निकालेंगे पैरामीटर माइनस सम ऑफ गिवन साइड सो हमने जो सम की है पूरे साइड की वो आई है ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर और हमारा पैरामीटर है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर तो हमारी जो मिसिंग साइड है उसकी जो लेंथ है वो है थ्री सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर बी तो आपको जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं उसमें आपको साथ ही साथ शेप भी ड्रॉ करना है मैंने एक शेप ड्रॉ किया है पर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे सभी शेप ड्रॉ करना है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे उसकी शेप दिखाई दे रहा है फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर अगेन फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो अभी हमें सॉल्व करना है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व किया है सम ऑफ द गिवन साइड फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड साइड तो लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड साइड हम निकालेंगे पैरामीटर माइनस सम ऑफ गिवन साइड तो पैरामीटर हमारा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर करेंगे इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ओके क्वेश्चन नंबर सी ट्रायंगल शेप दिया गया है जिसकी लेंथ है एटीन मीटर मीटर एंड वन साइड की जो लेंथ है वो कितनी है ये हमें निकालनी है एंड पैरामीटर इज फोर्टी थ्री मीटर सम ऑफ द गिवन साइड हमने सम किया है एटीन मीटर प्लस सिक्सटीन मीटर इक्वल टू थर्टी फोर मीटर लेंथ ऑफ द रिक्वायर साइड तो लेंथ के लिए हम पैरामीटर माइनस सम ऑफ गिवन साइड करेंगे तो पैरामीटर हमारा है फोर्टी थ्री मीटर माइनस थर्टी फोर मीटर इक्वल टू नाइन मीटर क्वेश्चन नंबर डी आपको शेप दिया गया है और उसके जो लेंथ है वो यहाँ पे दी गई है बट इस साइड की लेंथ मिसिंग है एंड पैरा है सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर हम करेंगे सम ऑफ द गिवन साइड टेन सेंटीमीटर प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी सेंटीमीटर प्लस ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर इक्वल टू सिक्सटी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रिक्वायड साइड पैरामीटर माइनस सम ऑफ द गिवन साइड तो हमारा पैरामीटर था सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉट विल बी द साइड ऑफ ए स्क्वेयर हु पैरामीटर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो so, हमको एक स्क्वायर दिया गया है मतलब हमें क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर की शेप ड्रॉ नहीं है पर उसके जो पैरामीटर है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है तो हमको वन साइड फाइंड करना है तो हम लिखेंगे पैरामीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड पैरामीटर हमारे पास दिया गया है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फोर हमने फोर इसलिए लिए है क्योंकि जो स्क्वायर रहते हैं उसकी जो साइड रहती, रहती है वो फोर रहती है तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस ऑफ वुड हुज पेरिमीटर 12 मीटर एंड ब्रेड इक्वल टू 2 मीटर अभी हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है वुडन पीस दिया गया है जिसका पेरिमीटर 12 मीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ टू ब्रेथ ब्रेथ हमें टू मीटर दी है तो हमने टू प्लस टू कर ली है तो वो आ जाएगा हमारा फोर मीटर तो दो साइड की जो ब्रेथ है वो फोर मीटर आई अब हम करेंगे सम ऑफ टू लेंथ माइनस फोर मीटर पैराीटर हमारे पास दिया गया है ट्वेल्व मीटर माइनस फोर मीटर इक्वल टू एट मीटर सो लेंथ लेंथ अब हमें ये तो एट जो मीटर निकला है वो टू साइड की लेंथ है अब हमें वन साइड की लेंथ निकालना है तो हम डिवीज़न करेंगे एट डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू फोर मीटर सो लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वुडन इज फोर मीटर आज के प्रेड में इतना ही सो बाय बाय टेक केयर स्टे होम